में केजेपीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 राज्य में 20 ठिकानों पर एक साथ एनआईए की छापेमारी। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में भी इसी कड़ी में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। राजस्थान का टोंक जिला, जो कि सबसे संवेदनशील माना जाता है, वहां पर एनआईए की टीम आज पहुंची है। इरफान नाम के एक शख्स, शागिर्द पेशा मोहल्ला है, उसके घर गई और इस शख्स के बारे में, यानी कि जिसके घर छापेमारी की कार्रवाई हुई है सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह संदिग्ध है। वैसे भी हैदराबाद के कुछ मामलों में उसका लिंक जुड़ा हुआ था और एटीएस ने भी जन्माष्टमी के 2 दिन पहले वहां पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की थी। यानी कि उसी शख्स पर कार्रवाई की जा रही है जिस पर एनआईए को पूरा शक है कि किस तरह से पीएफआई को वे सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से फंडिंग ट्रांसफर में वे मदद कर रहे हैं, किस तरह से पीएफआई के प्रोपोगंडा का प्रचार कर रहे हैं। तो शागिर्द पेशा मोहल्ले में आज अचानक सुबह 5 बजे जांच अधिकारी पहुंचे और उन्होंने इस शख्स के घर छापेमारी की पूरी कार्रवाई की है। क्या मिला छापेमारी कार्रवाई में, यह अभी एनआईए ने खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि कुछ बैंक के दस्तावेज और मोबाइल फोन को वे अपने साथ लेके गई है। उसमें से किस तरह की जानकारियां सामने आती है, क्योंकि एनआईए जब भी इस तरह की कार्रवाई करती है पूरी सबूतों के साथ ही करती है, तो फोन ट्रेस किया होगा उन्होंने, बैंक के डिटेल खंगाली होगी, तो इस तरह की तमाम चीजों के बारे में उनके पास जब कुछ जानकारी होती है, इनपुट होता है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। और आज उन्हीं चीजों के लिए यहां आई थी और अपने साथ बैंक डिटेल भी ले गई है और अब बैंक में भी जाकर ऐसा कह रहे हैं कि एनआईए की टीम पूछताछ कर सकती है उसके खाते से हुए लेन देन के बारे में। बिल्कुल केजे, ये भी जानना चाहेंगे वहां करीब कितने लोगों से पूछताछ हुई, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। और ये अक्सर देखा जाता है जब भी एनआईए की रेड होती है, देखिए सारा लिंक इकट्ठा करके उसके बाद पूछताछ होती है, कई सबूत खंगाले जाते हैं। जी देखिए, जब उस शागिर्द पेशा मोहल्ला जो टोंक का है, इलाका है वहां पर, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है, वहां पर अड़ोस पड़ोसी से किसी से भी पूछताछ नहीं की है, क्योंकि मामला सुबह 5:30 बजे का है, 8:30 बजे तक वे अपना काम करके चले गए। यानी कि घर में जिस शख्स पर उन्हें शक था केवल उसी से पूछताछ की है, उसी से जुड़ी चीजों को अपने कब्जे में लेने की कब्जे में लिया है। तो अब इन्हीं चीजों के आधार पर पूरी जानकारी जुटाएगी, क्योंकि एनआईए के बारे में जो उनकी जांच प्रणाली होती है वो यही कहा जाता है कि करीब जल्दीबाजी में वे फैसला नहीं करते, दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। विमल कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की बात की जाए तो देखिए इसके पहले भी आपको याद होगा एनआईए की रेड हुई थी, आज कहा जा सकता है कि एक साथ 6 राज्य में 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है, तो कई सारे सबूत और हो सकता है आज के छापेमारी के बाद कई ऐसे अहम खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए और खासकर आज की छापेमारी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये लिंक हो रहा है जो हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईसिस के आतंकियों को पकड़ा था उनसे भी, क्योंकि दरअसल जामिया में जो वहादत इस्लामी के दफ्तर पर रेड चल रही है वहां के बारे में जानकारी आ रही है कि जो अबुल फजल एन्क्लेव में वहां पर उनका दफ्तर है, वहां पर जो आईसिस का आतंकी शाहिद पकड़ा गया है वो 6 माह तक रुका था, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां से भी जुड़ा था, वहां से भी जानकारी को भी शाहिद को पहले एनआईए ही तलाश कर रही थी, एनआईए की गिरफ्त से वो निकल गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनसे जो पूछताछ हुई, उनसे जो जानकारी मिली उसके आधार पर भी एनआईए की आज ये जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है वो हो सकती है। और खासकर मेन जो एजेंट है एनआईए का या जो मेन तलाशी के लिए जिसके लिए एनआईए की टीम जगह जगह पहुंची है जी, वो पीएफआई से जुड़े, पीएफआई से संबद्ध होने के चलते जो इन जगहों पर कोई ना कोई सस्पिशियस गतिविधि चल रही है उसको लेकर एनआईए की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर, इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों में। फिलहाल मैं यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, देखिए मुमताज बिल्डिंग है, उन्हें 4 मंजिला इमारत है, इसी मुमताज बिल्डिंग की पहली मंजिल पर वो पब्लिकेशन हाउस है जहां पर जो है इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है और तमाम कर्मचारी जो हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, उनसे भी जानकारी हासिल की जा रही है और अंदर जो मटेरियल है आखिर किस तरह का मटेरियल पब्लिश होता था उस तमाम चीज़ों की बारीकी से जाँच की जा रही है। और फिलहाल अभी कई घंटे हो चुके हैं और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अभी कितनी देर और एनआईए की टीम अंदर ही मौजूद रहेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लंबी पूछताछ छापेमारी चल रही है, देखने वाली बात है कि अभी कब तक पूछताछ होगी। वहीं हमारे साथ मुंबई से राहुल पांडे भी जुड़े हुए हैं। राहुल, बात की जाए जैसा कि आप बता रहे थे यहां जो छापेमारी है पूछताछ हो रही है पहले से ही लिंक थे, वहीं जानना ये चाहेंगे राहुल, क्योंकि देखिए एनआईए की बात की जाए आपको याद होगा इसके पहले भी कई राज्यों में छापेमारी हुई थी, पीएफआई
लगातार कई कनेक्शन ऐसे मिल रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए आने वाले वक्त के लिए पीएफआई से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मुश्किल का वक्त, क्योंकि एनआईए अब शिकंजा कसती जा रही है लगातार। जी बिल्कुल सही कहा कि पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने एक्शन जो है वो तेज कर दिया। जो यहाँ छापेमारी की जा रही है, जब पीएफआई को बैन किया गया था तभी एक मामला दर्ज किया गया था, उसी के सिलसिले में एक कार्रवाई जो है की जा रही है। अगर मुंबई की महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में मुंबई का विक्रोली इलाका है, थाने हैं और नवी मुंबई है, वहां पर सुबह से ही एनआईए की रेड चल रही है। लेकिन अगर विक्रोली की बात कर लें तो यहां पर वाहिद शेख नामक जो जिसके घर पर एनआईए की टीम रेड के लिए पहुंची है वो अभी भी अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। लगातार कोशिश की जा रही है एनआईए की टीम की तरफ से, लगातार जो वाहिद के वकील हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी दरवाजा खोला नहीं गया है। बताया जा रहा है कि सबसे कुछ ही समय में अगर एनआईए की टीम को अंदर नहीं जाने दिया जाता है तो हो सकता है कि पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन भी ले ले, दरवाजा तोड़े या फिर लॉक तोड़े। लगातार लीगल टीम, लीगल ओपिनियन जो है वो लिए जा रहे हैं। वाहिद शेख, जैसे हमने बताया कि मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट का धमाके हुए थे उसमें आरोपी रह चुके हैं, 9 साल तक जो है जेल की सजा काटी है और जेल में रहते हुए ही उन्होंने बेगुनाह कैदी नामक जो है किताब लिखी है, खुद लॉयर है और इसके अलावा अगर बात कर ले तो जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की है और कहीं मुंबई में जो अंजुमान इस्लाम स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर एक बतौर प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर वाहिद शेख जो है इनका खुद का ही ये मकान है बताया जा रहा है और यहां पर 3 से 4 साल से रह रहे हैं। इसके आसपास में भी वो कई वर्षों से यहां पर रहा करते थे, लेकिन फिलहाल आज सुबह 5 बजे के आसपास पूछताछ होगी, क्योंकि देखिए टीम जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंतजार कर रही है और अब पूछताछ के बाद कई खुलासे भी होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया और